हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समक्ष सेक्शन। आज हम लोग एक पाठ को पढ़ेंगे, वो पाठ है प्रदूषण के बारे में। ठीक है, आज प्रदूषण एक विकट समस्या बनती जा रही है। इसके बढ़ते जाने से मानव जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रदूषण रहित पर्यावरण में सभी लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए प्रदूषण रहित करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, तभी हम सुख शांति से रह सकते हैं। अब पाठ इस तरह से है। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का कारण है आधुनिक वैज्ञानिक युग की प्रगति। इस समस्या से विश्व के अधिकांश देश ग्रसित है। अब ये हमारे जो वायुमंडल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों के बहुत ही सारे उद्योगीकरण के कारण ही क्या हो रहे हैं, प्रदूषण हो रही है। इस समस्या से विश्व को बहुत क्या समस्या के सम्मुखीन होना पड़ रहा है। प्रकृति ने मानव के जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु, जल, वनस्पति तथा भूमि प्रदान की है। अब आप लोगों को मालूम है वायु किसे कहते हैं। अब वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वायु मतलब पवन, समीर। जल मतलब पानी, नीर, है ना। वनस्पति मतलब जंगल, कानन। ओके, ये सब इसका क्या होता है, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं और इनके अर्थ भी है। जब किसी कारण से ये सब दूषित हो जाते हैं तब मानव एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो जाता है। अब ये पानी जो है, वायु जो है, वनस्पति, ये जब दूषित हो जाएंगे तभी हम लोग क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। यह हमारे हेल्थ को क्या करेंगे, एकदम से खराब कर देंगे। इसलिए पर्यावरण को हमारे वातावरण को, वायुमंडल को दूषित रहित करना बहुत जरूरी है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषण ने जन्म लिया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ इसका प्रभाव भी अधिक से अधिक पड़ता गया है। सच में है विद्यार्थी, इंडस्ट्रियल के कारण ही हमारा, क्योंकि हमको तो उद्योगीकरण होना हमारे देश में बहुत जरूरी है ना। हमें तो बहुत कुछ चीजें चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, है ना, खाने के लिए अच्छे से चीजें चाहिए, है कि नहीं। अब ये सब बनाने के लिए क्या करना होता है, प्रौद्योगिकीकरण होना पड़ता है। बहुत सारी इंडस्ट्री है हमारे देश में, इसके विकास के कारण ही मतलब वातावरण में, वायुमंडल में ज्यादा प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण का ये बहुत ही क्या है, कारण है। या कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के अत्यधिक प्रयोग से वायु दूषित होने लगी है। उद्योगों से जल, वायु, मिट्टी मतलब क्या है, धरती, धरा तथा ध्वनि का प्रदूषण बढ़ने लगा है। साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आजकल क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन है। सब लोग अपने वाहन में जाना चाहते हैं, इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी, वायु एवं उपज प्रदूषित होने लगी है। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, विदिसाइड, ये सब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। इससे भी मतलब वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण चार प्रकार का होता है, बच्चों ध्यान से सुनिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन
वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, ये चार क्या है, प्रदूषण है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में आर्थिक प्रगति के नाम पर अनेक कल कारखाने और उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं। अब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब ये जो मॉडर्न युग है ना, अब इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक ने बहुत सारे क्या क्या इन्वेंशन किया, डिस्कवरीज किया, अब इनसे भी क्या हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहे हैं। अब इनका होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों मैं बीच बीच में आप लोग को बोलते ही रहती हूँ। बड़े होकर अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्री खोलेंगे, अपना आप लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, अपने आप कुछ आधुनिक वैज्ञानिक के साथ जोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी से आप लोग उनके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि आप वातावरण को कैसे प्रदूषण से क्या करेंगे, बचाकर उस उद्योगीकरण को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो पहले सोच लीजिए। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ग्राम मतलब गांव है ना, नगर मतलब शहर और महानगर है ना, विकसित हो रहे हैं। जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में है ना, अब इससे भी क्या हो रही है, गांव वृद्धि हो रही है, शहर वृद्धि हो रहे हैं, महानगर हो रहे हैं, सिटीज है ना। वनों को काटकर मकान बनाए जा रहे हैं, लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, पहाड़ों में भी लोग रहते हैं आजकल है ना, नदियों के किनारे में भी रहने के लिए लोग मतलब रहने के लिए उन लोग क्या है, क्या करेंगे, रहने के लिए जगह नहीं है तो उन लोग को रहना ही पड़ेगा, नदी या जंगल काट कर मकान बना रहे हैं। ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है जो रात दिन ध्वनि एवं धुआं उगलते रहते हैं, बहुत मतलब ऐसे मतलब टूल्स है, ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक युग में नो साइंटिस्ट ने इतने ज्यादा मतलब इन्वेंशन किया है, डिस्कवरीज हो रहे हैं, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, इससे इतना धुआं निकलता है नो, हम लोग अपने अपने वाहन में घूमते हैं, इससे प्रत्येक लोग अपने वाहन लेकर जाना चाहते हैं, तो इससे भी यातायात के लिए जब लोग प्रयोग करते हैं अपने वाहन को, तब भी क्या हो रहे, बहुत धुआं निकलते हैं, इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होते हैं, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। कल कारखानों का दूषित एवं अनियंत्रित जल मल बाहर निकलकर बदबूदार गैस फैलाता है, बहुत खराब गैस मतलब जिससे बहुत खराब मतलब बदबू आते हैं, अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। अब जो इतने कारखाने बनाए जा रहे हैं, इतने फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, लोग आजकल इतने ज्यादा कारखाने बना रहे हैं, ये अभी अनकंट्रोल्ड हो गया है, अनियंत्रित हो गए हैं, अब इससे भी बहुत बदबूदार गैस फैल रहा है। कारखानों से निकलता धुआं वातावरण को दूषित करता है, इससे फेफड़ों के रोग पनपते हैं है ना, लंग्स में बहुत ज्यादा हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोग रोग से हो रहे हैं, लोगों का आंखें खराब हो जाती हैं, वाहनों और मशीनों के शोर, चीखते लाउडस्पीकर, रेडियो नो टेप रिकॉर्डर आदि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, साउंड पॉल्यूशन होते हैं। अब घरों में भी लोग इतने लाउडस्पीकर देकर मतलब गाना सुनते हैं है ना, मोबाइल में गाना सुनते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं, अब इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि ध्वनि भी एक क्या है, प्रदूषण है। बच्चों इसे ध्यान रखो, अगर आप लोग भी कहीं सुनते हैं लोग बहुत जोर से गाना लगा रहे हैं, तो आप लोग उन लोगों को क्या कर दीजिए, बताइए कि ऐसा करने से क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण फैलेगा, इससे सुनाई देना कम हो जाता है, एक रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। नदी नाले तालाब आदि में कपड़े धोने, मल मूत्र त्यागने, जानवरों को नहलाने, राख बहाने से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है।
जिससे हैजा होता है, पैचिस एवं पेट की बीमारियां फैलती है। उपज बढ़ाने के लिए उपयोग की जा रही रासायनिक खादों के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। अब लोग क्या केमिकल्स यूज कर रहे हैं खेती करने के लिए, ताकि उपज ज्यादा हो, फल ज्यादा दे, पेड़ को ज्यादा फल देने के लिए किसान लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इससे भी क्या हो रहा है, बहुत ही भूमि प्रदूषण हो रहा है। तो आप लोग हो सके तो, अगर किसानों को समझ में नहीं आता है उन लोगों को, तो आप लोग तो पढ़ लिख सकते हैं, तो आप लोग समझाइए उन लोगों को, बोलिए कि ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से क्या होगा, भूमि प्रदूषण होगा। इस प्रकार उपजी अनाज, फलों एवं सब्जियों को खाने से मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, जंगल को काटना, वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाना, गंदगी का उचित निपटारा, वाहनों की नियमित जांच आदि कुछ उपाय हैं जिनसे प्रदूषण कम किया जा सकता है। इसे ध्यान से आप लोग याद रख लीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए कि प्रदूषण को रोका कैसा जाए। अब सब लोग तो फैलाते हैं, अब रोकने का काम करना हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो वनस्पति को, जंगल को लोग काटते हैं मकान बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग भी अपने घर में पेड़ को काटते हैं, लेकिन पेड़ काटने के पहले आप लोग और 3-4 पेड़ अपने घर में पहले लगा लीजिए, फिर पेड़ को काटिए। तो वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी वृक्ष लगाइए, है ना, तभी फिर से जानवर को रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब बंदर आसपास घूमते रहते हैं ना, सबके घर के घर में भी आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। तो हमें सबके बारे में सोचना है। अब गंदगी को कैसे निपटारा जाए उसके बारे में भी आप लोग सोचिए, कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंकिए। वाहनों की नियमित जांच कीजिए, दैट मीन्स व्हीकल्स, वट एवर वी यूज, हम लोग जो रोज अपने व्हीकल्स का यूज करते, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, जो भी हो, उसका जांच करवाना चाहिए, है ना, सर्विसिंग करवाना चाहिए, उसका भी देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए कि गंदी धुआं ना निकले। तो इससे क्या होगा, हम वातावरण को प्रदूषित होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कृषि में रासायनिक प्रयोगों की जगह जैव प्रयोगों को महत्व देना क्या है, बहुत जरूरी है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण रहित वातावरण में मानव स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रदूषण रहित पर्यावरण में रहने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है। तो मैंने अंत में आपको जो कुछ भी कहा उसे आप याद रखिए और उसे करने के लिए कोशिश कीजिए। इसी तरह से हम प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, आप लोग पाठ को घर में अच्छी तरह से पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।